ऑल राइट गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद अभी हम आ चुके हैं पलामू किला, और आज है 1 नवंबर 2022। और आज की बात किया जाए तो छठ पर, यानी कि जो प्रातः अर्घ होता है उसका दूसरा दिन है आज। यहाँ पे काफ़ी बड़ा वाला मेला लगता है, मतलब यहाँ पे लोगों की क्राउड की बात की जाए भाई तो काफ़ी हैवी क्राउड है। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है कि आपको, अगर आप अपने गाड़ी से आते हैं तो अप्रॉक्स 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे ही गाड़ी आपको कहीं पार्क करने होंगे। हालांकि आप टाइम पे आ जाओ तो आप आगे तक आ सकते हैं और आगे में आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। यहाँ पे मुख्यतः 2 किला हैं, एक पुराना किला, दूसरा जो है कि नया किला है। पुराने वाले किले की अगर मैं हालत की बात करूँ भाई तो काफ़ी ज़्यादा जर्जर है, और नया वाला तो फिर भी कुछ सही है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालाँकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान ना दे तो आने वाले दिन में ऐसा होगा कि यह जगह बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे है। अभी ही तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जो पुराना किला था 1628 में यहाँ के जो राजा थे, यानी चेरो वंश के राजा प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद राजा मेदिनी राय के द्वारा जो नया वाला किला था 1658 में बनवाया गया था। तो बाकी चलते हैं हम लोग आगे की ओर, आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ का जो मेन व्यू है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और मैं यहाँ की बात करूँ, यानी कि पलामू किले की मैं बात करूँ, तो शायद ये YouTube का फर्स्ट टाइम होगा जो कि आपको ड्रोन शॉट देखने को मिलेगा। हालांकि ज़्यादा क्राउड होने के कारण आप समझ सकते हैं, मैं आपको एक बार पीछे यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा क्राउड है। ऐसे में मैं जगह देखता हूँ कहाँ से ड्रोन फ्लाई करने हैं हमें। बाकी चैनल के वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस ना कर सके। अभी तक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं यहाँ का व्यू। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो फुल इंजॉय करना। मेन गेट से इन करते हैं, सामने आपको एक पतला सा रास्ता दिख रहा होगा जो सीधा आपको यहाँ, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो सामने टेरेस पे आपको ले जाएगा। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं व्यवस्था यहाँ का कितना ख़राब है भाई, गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। जिस टाइप से अभी यहाँ पर बोतल गिरा, अगर साइड में कोई है तो कोई आदमी भी गिर सकता है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। आप देखो ये जो रास्ता है इस पर सैनिक लोग चला करते थे या सैनिक लोग पहरा देते थे। सेकेंड रास्ता है, यानी कि जो किला के अंदर की ओर लेके जाता है वो ये रास्ता है, हमारा सामने आपको दिख रहा है, ये रास्ता से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट का ध्यान ना रहा भाई तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जो जगह है ये बिल्कुल एक खंडहर, और खंडहर नहीं बोल सकते आप, ये बोल सकते हो कि एक जानलेवा खंडहर है, तब्दील हो जाएगा। आप देख सकते हैं हर एक जगह, आप देख लो क्या हालत है, और इसके नीचे कितने लोग आते जाते रहते हैं, कितने लोग आते हैं आप ये पहले देख लीजिए। और यहाँ का सिर्फ बात ये हो जाता है कि ये लोग जो आ रहे हैं खुद और खुद के रिक्स पे आ रहे हैं। अगर इसकी मरम्मत कर दी जाए तो ये इसका लाइफ काफ़ी दिन बढ़ सकता है, कुछ दिन और चलेगा, लेकिन इस हालत में आप खुद बताओ कि कैसा चलेगा। ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए हम लोग जिस छत के नीचे हैं, छत के बाहर दिख रहा है, और बारिश के दिन में तो मेरे ख्याल से इधर पूरा पानी भरा रहता होगा। आगे आने के बाद आपको दूसरा गेट मिलता है, आप देख सकते हैं ये भी गेट काफ़ी विशाल है। अगर मैं आपको सामने दिखा दूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल गेट है, और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई अप्रॉक्स 3 से 4 फीट, कम से कम तो 4 फीट का चौड़ाई है इसका। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ यहाँ से, शायद आपको अंदाज़ा लग जाए। आप देख सकते हो इस गेट की चौड़ाई के बारे में, आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है, और यही रीज़न है कि ये इस हालत में भी अभी तक टिका हुआ है। आपको यहाँ दिखा दूँ, देख लीजिए जो बीच का हालत है, ये पूरा डिमक लग चुका है भाई। और बाकी जो सही सलामत बच गया उसमें लोग यार लिख के इतना गंदा कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हालांकि लोगों का मानना है कि यहाँ जो आते हैं वो अपना नाम लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सिर्फ नाम लिखकर इस जगह को और भी गंदा कर रहे हो, तो ये आपका चीज़ है, आपका धरोहर है, जितना संभव हो सकता है भाई आप इसे बचाओ, ना कि इसे आप बर्बाद करो। हमारा नाम चढ़ा दे चढ़ा दे भैया, क्या नाम होगा? रोहित मिश्रा। चढ़ गए वह
और पुराना वाला किला को कवर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं नए किले की तरफ। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी हाइट पे है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे जो मेन गेट है, जो मेन द्वार है, उसका व्यू काफ़ी कमाल का है, काफ़ी भव्य है। और उसका नाम रखा गया है नागपुरी द्वार करके उनका नाम है। बाकी हम आगे चल कर आपको दिखाते हैं इसका भी व्यू। बाकी आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं जो कि ट्रैक कर रहे हैं, हमारे पीछे भी आपको लोग दिख रहे होंगे। और इधर में नीरज भैया, हाय। और आज मेरे साथ है पप्पू, ये ब्लॉग में कभी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम आया है। तो फिर कभी नए ब्लॉग में मैं आपको इससे अच्छे से मिलवाऊंगा। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई बेल वाला आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। बाकी आपका क्या राय है यहाँ के बारे में आप कमेंट करके बताओ। फिर हम चलते हैं आगे की ओर, आगे चल के दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। फाइनली लगभग एक किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे नया वाला किला है। हमारे पीछे आपको इसका दीवार दिख रहा होगा और ये पीछे में गेट है, आप पीछे में देखो यहां पे एंट्री है। हम लोग अभी चलेंगे तो आपको दिखाएंगे गेट को डिटेल में, और ऊपर चल के आपको दिखाएंगे यहां का व्यू। यहां से जो व्यू आता है भाई काफ़ी कमाल का आता है। हालाँकि नीचे में धूप काफ़ी है, यहाँ पर धूप नहीं रहने का रीज़न है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ है। इतना ज़्यादा पेड़ है कि धूप यहाँ पर मतलब आ ही नहीं रहा है। बाकी भाई काफ़ी थक चुके हैं और चलते हैं ऊपर, ऊपर चल कर आपको दिखाते हैं आगे का भी, आगे का नज़ारा। चलो आगे की ओर चलते हैं। अभी हम लोग जाएंगे इसके ऊपर में, ये काफ़ी चौड़ा है और एक रोड टाइप का बनाया हुआ है जिसपे बताया जाता है कि जो राजा के सैनिक होते थे वो घोड़ा के साथ दौड़ते थे। तो अभी हम लोग ऊपर चल के ही आपको दिखा पाएंगे। बाकी ये कक्ष आप देख सकते हैं, ये व्यू आपको दिख रहा होगा, देखिए किस तरह बर्बाद हो रखा है भाई। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं यहाँ के बारे में आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कि यहाँ की चीज़ें जो ख़राब हो गई है। इसका पीछे रीज़न ये है कि मैं चाहता हूं कि वीडियो जहां तक पहुंचे वो लोग इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट के नज़र में आए और इस जगह के बारे में थोड़ा सा सोचे। क्योंकि भाई पलामू में ये जगह काफ़ी ऐतिहासिक पैलेस है और मैं आप ड्रोन शॉट में आपने देखा होगा कि कितना दूर में फैला हुआ ये जगह है। इसके बाद भी इस जगह का ये हालत है, मतलब काफ़ी निंदनीय है ये। आप यहाँ पर देखो हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि आदमी इसके नीचे में खड़ा रहे तो ये कभी भी गिर सकता है, इस हालत में है ये। और इसका प्रमाण आपके सामने है, देखो ये। चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये अंगरक्षक के लिए बनाया जाता है और यहाँ से आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक बार अंदर दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ से उन लोग देख के पहरा देते थे। यहाँ से डायरेक्टली नीचे की ओर दिखता है, मैं दूसरे साइड में अगर चलता हूँ दूसरे वाले वाल में तो ये देखो अंदर में आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं। एक ये है, ये सामने की ओर तीर छः, और यहाँ पे आपको जाता है जो डायरेक्ट नीचे की ओर जाता है। मतलब ये भाई काफ़ी दिमाग लगा के काफ़ी कमाल का बनाया ये चीज़ है। यानी कि यहाँ पे अगर आप सैनिक खड़ा हो जाते हैं तो ये हाइट इतना है कि सैनिक छिप भी सकते हैं, साथ में वो दुश्मन पर नज़र भी रख सकते हैं, साथ साथ वार भी कर सकते हैं। ये जो हमें समझ आया मैं आपको बताया। बाकी आपका क्या थाउट है आप कमेंट करो। ये देखो यहाँ से गोले गोले बनाया गया, यानी कि जो इस महल का बाहर का जो दीवार है ये पूरा चारों तरफ से कवर अप किया गया इस टाइप से। तो जी फाइनली था ये व्यू, और आज का जो ब्लॉग था इस ब्लॉग में आपको हम यही दिखाने वाले थे
हमें उम्मीद है यार कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एज भी पॉसिबल जितना हो सके अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।